गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं दानिया, मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है हाथ की लकीरों में भाग्य कैसे हो सकता है, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कैसे देखते हैं कि भाई ने क्या सवाल कर रहे पंडित जी से। सो पंडित जी का पहले रिप्लाई देखेंगे, उसका डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सूर्य देख लेते हैं और ता ये बोलते हैं कि वो मतलब वो गले शंकर जी ने अपने पुत्र गले जी का सर काट दिया था। हाँ? अगर वो भगवान थे उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर मैया सब बैठ ही रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर चुनौती, पर उन्होंने कटा हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? हाँ। कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पाँव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की, भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया, इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते ना, उनको थोड़ी ना मालूम नहीं। इसका दूसरा कारण यह है जी, इसका दूसरा कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया इसलिए बोले कि अब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, अब हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान थे, नया सिर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था, एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एको हम बहुत श्यामा एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ जी, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था सांदीपनी जी का जी। तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पाँव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था, तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियां लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी, हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा जी, है ना? ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो, कहानी को बड़ा कैसे किया जाता? फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो, इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सदगति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर सुनी थी। तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया, जहाँ जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं, जहाँ लीला बढ़ानी है। क्या रावण ले गया सीता को, भगवान को पता था कि नहीं? पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं, हे सीता हे सीता, हे खगमरग हे मधुकर श्रेणी, क्यों ढूंढ रहे हैं फिर?
लीला करनी है बेटा, है ना लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, मतलब क्या हुआ। हाँ। अगर जी भगवान ही लिख चुके तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है भाई? सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है, अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं, आप हिसाब से चलाओ। जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है, लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं, और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। शराब ना पियो, दूध पियो, अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, भगवान ये कहते हैं। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ हाथ और हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? आप मेरे को इसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगे कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहां लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छे काम होने वाला है। 10 चीज गलत होगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट। और इसका सीक्रेट है कि 95% जो थे तालिबे इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखे ला सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल लजीना आमनू, ए मोमिनो, या लजीना आमनू, इन्नमल खम्रु व मैसरु, बेशक शराब और जुआ खेना, या लजीना आमनू, इन्नमल खम्रु व मैसरु व अंजाब व असलामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान, फर्स्ट नहीं तफलियून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिष गिरी, ये हराम है, शैतान के हटकंडे, आप इससे बचो। ऑफ कोर्स और आई दिन ये ज्योतिषु लोग। सो गाइस ये था वीडियो, तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी तकदीर है वो तो होती ही है, लेकिन हमें ज्योतिष जो होते हैं मतलब इंसानों से हमें अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जो होना है तकदीर में जो चीज़ें लिखी हुई है वो तो हो के ही रहेगा। और लेकिन हमारी जो मतलब हमें सोचने का जो हमारे क्रिएटर ने एक फ्री विल दिया है कि हम सही और गलत को चुन सके, तो वो चीज़ें भी है। तो हम तकदीर को चेंज ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने क्रिएटर से प्रे कर सकते हैं कि हमारे साथ जो अगर हमारी किस्मत में तकदीर में लिखा हुआ है कि गलत होना है तो उसको हम सही कर सके, इसके लिए हम प्रे कर सकते हैं। सही और गलत सिर्फ इंसानों के हाथ में है, कैसे कि हमें
फ्री विल मिला है कि हम सही और गलत को चुन सकें। तो अगर सामने शराब है तो उसको हमारे ऊपर है कि हम उसे पीना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो सही और गलत आपके हाथ में है। लेकिन तकदीर भी एक चीज़ है, लेकिन ये नहीं है कि क्रिएटर ने उसे गलत लिखा है। किसी के लाइफ में अगर गलत होना है, वो क्रिएटर को पता है कि हम गलत करने वाले, इसलिए क्योंकि क्रिएटर तो हर चीज़ जानता है। जैसे कि पंडित जी का लॉजिक था सामने वाले क्वेश्चन पे कि वहाँ पे लीला होनी थी इसलिए वो सारी चीज़ें हुई, भगवान ने वो चीज़ नहीं करी। लेकिन जो क्रिएटर है, जब आप वेद और जितनी भी धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ोगे तो यही आपको पता चलेगा कि जो हमारा क्रिएटर है वो इतना पावरफुल है कि वो हर चीज़ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और जो हमारा क्रिएटर है वो एक ही है, तो हमें पढ़ना चाहिए और चीज़ें समझनी चाहिए। और ये ज्योतिष विद्या, ये सारी फालतू चीज़ों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और हर धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही क्यों ना हो, अब वो भी बहके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीर बाबाओं के चक्कर में रहते हैं और उनसे मतलब अपना इलाज कराने जाते हैं। तो यार ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ फ्रॉड बनाए जाते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। उनके पास कुछ पावर नहीं है, सिर्फ पावर जो है वो हमारे क्रिएटर के पास है। वही सही और गलत कर सकता है, हमारे हमें मौत भी दे सकता है और हमारे मौत को बचा भी सकता है वो। सो ये सब चीजों में बहकने से अच्छा है कि गाइज आप लोग अपने जो रिलीजन की किताबें हैं उसे पढ़ो, ताकि आप सही चीजों को फॉलो कर सको। सो गाइज ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइज।